हेलो माय व्यूवर्स, तो आज मैं पहुंची हूँ नोएडा स्टेडियम और वहाँ पे लगा है सी वर्ल्ड कार्निवल। वेलकम टू सी वर्ल्ड कार्निवल माय। तो हम चलते चलते अंदर गए और अंदर इतना खूबसूरत था ना। तो वेलकम टू डॉली का व्लॉग, हमने शुरुआत की आइसक्रीम से और हम नोएडा स्टेडियम पहुँच चुके थे। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना रश था ना, गाड़ियाँ इतनी थी कि पार्किंग के लिए भी जगह नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे चलते चलते वीडियो बनाते बनाते मेरी मोटी खो गई और मोटी को ढूंढने गई मैं, तो उसकी मम्मी करते ही आपको दिखेगा टिकट काउंटर। यहाँ से आपको इसके अंदर जाने का 30 रुपीज़ पर पर्सन लेना है टिकट। यहाँ पे मैंने कर लिया था ड्यूअल कैमरा ऑन और आंटी ने पूछा मैं कहाँ हूँ, मैंने बोला आंटी आप वो रहे। फिर यहाँ से हमने एंट्री ले ली। तो हमने सोचा जब तक टिकट काउंटर में रश लगा हुआ है, थोड़ा सा आगे से व्यू लेके आते हैं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। तो मैं थोड़ा आगे की ओर गई, यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है और ये बहुत बड़ा कार्निवल लगा है नोएडा स्टेडियम में। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये, मैं आपको बता। लक्ष्मी टिकट 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 तीन है तीन है। यहाँ पे हमने एंट्री की टिकट ले ली थी, पर पर्सन 30 रुपीज़ था। ये बस उसके अंदर एंट्री का था, तो मैं व्लॉग में डालूंगी। तो गार्ड अंकल ने थोड़ा सा होल्ड कर दिया था एंड स्माइल की। फिर हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और ये देखिए अंदर एंट्री लेते ही कितने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं वेराइटीज़ ऑफ फिशेस के। तो यहाँ पे थे गणेश भगवान जी के, हमने दर्शन किए और हम आगे बढ़े। एंट्री करने के बाद हमें एक और टिकट काउंटर मिला और वहाँ से हमने 3 टिकट दोबारा से ली थी, पर पर्सन 100 रुपीज़। ये फ़िश एक्वेरियम में एंट्री करने की टिकट थी, तो यहाँ पे सबमिट हो चुकी थी, हमने एंट्री ले ली थी। रॉयल नाइफ फिश। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छी तरीके से देखना है। इसकी आईज में बैग्स है। तो आपने देखा यहाँ पे कितनी खूबसूरत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा यूनिक फिशेस देखे मुझे। मैंने तो ये पहली बार देखी है इतनी यूनिक। एंड कुछ फिशेस हैं जो मैंने ऑलरेडी देखी हुई थी, तो आगे आप देखिए आगे और प्यारा सा एक्वेरियम आएगा। यहाँ पे सारे बच्चे बड़े सब देख रहे थे, बट बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे। जो भी पेरेंट्स मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पे ले जाइए, उन्हें बहुत खुशी होगी यहाँ जाकर। यहाँ पे इतने यूनिक यूनिक फिशेस थे ना, वाइट ब्लैक, सम पीपल आर सेइंग जेब्रा फिश, सम पीपल आर सेइंग विद अदर नेम्स। और ये देखिए ये भी बहुत यूनिक लगी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पे हर एक्वेरियम्स में मेंशन किया गया है फिशेस के नेम्स। यहाँ पे बड़ों से ज़्यादा हैप्पी ना बच्चे थे, उन्हें देख कितनी खुशी हो रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये काट खा जाते हैं, इनका वैरायटी रखना होता है, नहीं तो ये ना देयर हार्ट फिशेस। तो आपने सुना यहाँ पे मैं फ्रेंड की मम्मी भी गाइड करते हुए चल रही थी हमें कि ये कौन सी फ़िश है कैसे फ़िश है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बच्चे इतने खुश थे ना, बच्चे ना उन्हें छेड़ रहे थे ग्लास के बाहर से, उन पर फिंगर कर रहे थे, पोक कर रहे थे, एंड वो इधर से उधर भाग रही थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए वाइट कितनी सुंदर लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है। इसके फर देखिए, इसके विंग्स देखिए, रेड पैरट। अरे मम्मी यही यही वाली बोल रही थी मैं उस दिन आपको लेने के लिए, इसे 1000 का पैर मिल रहा था मेरे को, 1000 ये पूरा एक्वेरियम खा जाता ये। इसका मुंह तो देखो, इन ऐसे लग रहा है स्माइल कर रही है।
ये देख स्माइल कर रही है, चुटू स्माइल करती है वाली। हाँ देख 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 स्माइल कर रही है, सही कह रही है तू। मैं उसे नहीं खरीदती। ज़िब्रा ज़िब्रा जैसा है ना, बेचने वाला बोले ज़िब्रा फिश। ज़िब्रा फिश तो डुगा। All are saying ज़िब्रा फिश, but यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है। ज़िब्रा फिश। This is ज़िब्रा फिश। बाहर आ जाएगी बेटा, पीछे रहो। तो आपने सुना यहाँ पे एक अंकल ने क्या कहा, बेटा फिश बाहर आ जाएगी पीछे रहो। तो यहाँ पे छोटे बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना, लाइक दे कैन्ट स्टे अवे। ओ माय गॉड, लुक एट दीज फिशेस, दे आर ऑल कलरफुल एंड दे लुक्स वेरी यूनिक, वेरी यूनिक। इनको देख के जो आंखों में आराम आ रहा था ना, और इनको देख के खुशी हो रही थी, ये कलरफुल फिशेस मैंने पहली बार देखी थी। इतनी खूबसूरत लग रही है ना, एकदम यूनिक सी। ये देखो, सो मेनी कलरफुल फिशेस। पानी कहाँ से निकल रहा है, कुछ डबल। चलिए चलिए सर, चलिए मगरमच्छ आ गया, चलते रहो। लक्ष्मी लुक एट दिस, दिस वन, दिस वन इज टू बिग मैन। सबसे बड़ी फिश थी ये वाली। तो यहाँ पे आपको आगे दिखेंगे लॉबस्टर एंड क्रैब्स। मेरे को लगा था एक पल के लिए कि ये नकली सजा के रख दिए, बट आगे जाके देखा मैंने तो ये रियली में एकदम जिंदा थे और चल रहे थे। व्हाइट वाले फिशेस तो सबसे अच्छी लग रही थी मुझे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मेरे को बिच्छू वाले का फोटो खींचे। बिच्छू वाला देखा, कह रहा था तुम क्या बंकू वाला, ये देख बंकू, ये देखो बिच्छू वाले। तो आपने देखा ना, ये बिल्कुल जिंदा है, और ये है क्रैब और लॉबस्टर्स। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो भी कलरफुल है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आगे तो और भी अच्छी वैरायटीज ऑफ फिशेस है। अभी हम टनल पे भी जाएंगे, आप देखते रहिए, आगे बहुत खूबसूरत सा टनल भी आएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेल आइकन दिख रहा होगा। अभी हम आगे जाएंगे और आगे और खूबसूरत सा व्यू आएगा, टनल आएगा जिसको हम क्रॉस करके जाएंगे, और फ्लोर पर भी फिशेस देखेंगे आपको आगे जाके। आगे फिशेस देखते देखते तो बच्चों के साथ उनके मॉम डैड, उनके माता पिता भी इतने एक्साइटेड हो गए थे कि उनको भी मज़ा आ रहा था, वो भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे थे। तो ये तो यहाँ पे मुझे भी इतना इंटरेस्ट आने लग गया फिशेस देख देख के कि मैं भी उनको छेड़ने लगी। और ये कितना बड़ा पैरेट है। तो यहाँ पे जाके मैं भी ठीक सा फील कर रही थी, मेरे को फीवर था, स्टिल मैं फिशेस देखने चली गई बिकॉज मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ गई। तो यहाँ पे हमने फिशेस देखी, और ये देखी आगे जाके और वैरायटीज ऑफ फिशेस। वाइट वाली छोटी छोटी फिशेस तो इतनी खूबसूरत लग रही थी। इस चीज़ का लगा कि यहाँ पे टर्टल्स के लिए रेस्ट
स्टैंड नहीं दिया गया था, यहाँ पे आराम करने वाला उनका स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि दिस इज ईल फिश। कितनी सुंदर है ये फिश, कितनी बड़ी है। यहाँ पे हमें दिखी ब्लैक गोस्ट, यूनिक फिश। इनकी फर, इनके विंग्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, पानी में लहर रहे थे। और इनका नाम है ब्लैक गोस्ट, जो प्योर ब्लैक थे और अलग ही दिख रहे थे। ये बिल्कुल यूनिक। ये जो आप फिश देख रहे हैं ना, ये इसकी जो नेक्स्ट वाली है ब्लैक वाली, इसमें ना बोन्स का डिज़ाइन था। जैसे मैंने निकाली वीडियो आंटी की, मेरी फ्रेंड की मम्मा, जो बहुत बड़ी बड़ी स्माइल दे रही थी। आंटी बहुत खुश थी। ये वीडियो बनाई थी मेरी फ्रेंड ने, जो कि उसने कैमरा टिल्ट करना था बट उसने सीधा कर दिया। बट इट्स ओके, हमने ये भी डाल दिया है क्योंकि व्यू बहुत प्यारा आ रखा था, तो हमने ये भी आपको दिखा दिया। तो हम आगे चले। फाइनली हमने एंट्री कर ली थी एक्वेरियम के अंदर, और ये देखिए कुछ नज़ारा एक्वेरियम का, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत रश था, और यहाँ पे क्योंकि लोग पढ़ते हुए और बच्चों को दिखाते हुए चल रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को, उनको बहुत खुशी होती है, एंड दे आर क्लैपिंग। ठीक है मम्मी, बाय बाय। तो आपने देखा ना, यहाँ पे लोग अपनी फैमिली को भी वीडियो कॉल्स करके दिखा रहे थे। इतना खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का, और टनल का तो नज़ारा ही इतना ऑसम था ना, अंदर जाते ही बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। तो यहाँ पे एक दो पिक्स क्लिक करवाने के बाद बड़े हम आ गए, और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला यहाँ पे मेरी छोटी सी वीडियो निकाल। तो यहाँ पे हमने वीडियो निकाली। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ना, आप देख सकते हैं हमारे पैरों के नीचे ये फ्लोर है, और फ्लोर में फिशेज है। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो अपने दर्शकों के लिए यहाँ पे अच्छे से बनाई है, ताकि जो लोग एक्वेरियम में नहीं जा पा रहे हैं, जो यहाँ से दूर रहते हैं नोएडा स्टेडियम से, वो वीडियो में ही देख लें अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने वीडियो बना ली घुमा के, इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये वाला नज़ारा बहुत यूनिक था और बहुत खूबसूरत लगा। तो हम आगे की ओर बढ़े, और ये देखिए यहाँ पर भी एक्वेरियम में लोग कितना, मतलब इतना इंटरेस्ट लेके देख रहे थे ना लोग यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था व्यू, और ये टनल ना बहुत खूबसूरत था। अभी तक मैं सभी दर्शक देख सकते हैं कितना खूबसूरत टनल है ये, अंदर गए हम। और ये है सी वर्ल्ड कार्निवल, जो नोएडा स्टेडियम में लगा हुआ है। मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शंस में बता दूँगी, आप वहाँ पर रीड कीजिए, और ये कब से कब तक है वो सब मेंशन कर दूँगी, आप ज़रूर जाइए यहाँ पर। और ये बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं मैंने भी कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे यूनिक वीडियोस में बने रहने के लिए कीजिए हमें फॉलो। एंड करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं, एक्वेरियम से निकलने के बाद हमें नोएडा स्टेडियम में कुछ ऐसा मेला दिखा, जहाँ झूले थे, खाने के स्टॉल्स थे, गेम्स के थे, और बच्चों के लिए कुछ यूनिक चीज़ें खरीद सकते थे। बच्चों के फ़न के लिए यहाँ पे रेलगाड़ियाँ थी, आप देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़े, और आगे यहाँ आपने देखा अलग ही क्रेज़ था। यहाँ पे पेड वीडियोस बन रही थी, 50 और 100 रुपीज़ में आपको वीडियोस बना के दे रहे थे। और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे स्कूटीज़ के, हमने वो भी देखा।